प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। गोली को डांटूंगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। क्या करूं? कौन है जो गोली को अच्छी तरह से समझा सकेगा? यस, मेहता साहब। हाल पूछ रहा है, युद्ध की घोषणा कर रहा है। छोड़ी, हम तो हमेशा ऐसे जोश में रहते हैं जी। अरे भाई, तेरा ये जोश तो ठीक है छोड़ी, लेकिन तेरे जोश को कंट्रोल कर, किसी दिन किसी के होश उड़ा देगा। चलो छोड़ो, और बताओ क्या खास? और मेहता साहब, दिवाली पे मैंने किसी ने किताब गिफ्ट दी है, पूरे 1000 रुपए की है जी। मैंने सोचा आपको बेचूं। भेज दूं? अरे मैंने सोचा ये गिफ्ट आपको गिफ्ट कर दूं। और मेरे तो घर में ऐसी पड़ी रहती, क्योंकि मैं तो पढ़ूंगा नहीं। ये क्या बात है सोड़ी, क्या व्यापारी हो, आई भी गिफ्ट आगे दे दूं हैं? हेलो जी, क्या है भाई? देखो, ओहो हो हो हो, ये गिफ्ट लाया मेरे लिए, रख ले वापस ये गिफ्ट। सोड़ी, मेरा दोस्त है या दुश्मन है, क्या है तू? कौन सी किताब गिफ्ट कर रहा है यार? सूप एंड सैलड। अरे जितने एक बायोलॉजी के लैब में मेंढक पे एक्सपेरिमेंट नहीं होते ना, उतने अंजलि मुझ पे करती है तरह तरह का खाना खिला के। और ये किताब और ले आए हो तुम? ये भगवान पता नहीं, ये किताब अगर देख लेगी तो मेरा क्या हाल करेगी। ले जा भाई, ले जा। और मेहता साहब, आप ये गिफ्ट लो या ना लो, मैं अंजलि भाभी को ये गिफ्ट जरूर दूंगा। अरे भाई सोढ़ी, अंजलि को ही तो ये किताब नहीं दिखानी है, बगैर किताब के इतने सारे खाने तरह तरह के मुझे खिलाती है। किताब पढ़ के पता नहीं कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करके सूप पिलाने वाली है। अरे सोढ़ी भाई, कब आया? अजी अभी आया, आपके लिए गिफ्ट है जी। मेरे सूप एंड सैलड। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। तारा, इस बुक को मैं पिछले एक साल से ढूंढ रही हूँ। थैंक यू सो मच सोढ़ी भाई। ओह मोस्ट वेलकम जी। ओहो तारक, ये लीजिए आपका नीम का जूस। अरे क्या करती हो अंजलि, मेहमान घर में बैठे और मैं कुछ खाऊं पीऊं, अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं, मेहमान हमारे, सोढ़ी को पिलाओ, सोढ़ी को पिलाओ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, ओ मैं घर पे अभी पूरे 6 ग्लास लस्सी पी के आया हूं जी, आप पियो ना। सोढ़ी पीना पड़ेगा मेहता साहब। अरे कोमल भाभी, आइए आइए। ओ कोमल भाभी जी, आओ बैठो। नहीं नहीं, बैठे ना सोढ़ी। ओ बैठो कोमल भाभी जी, आओ जी बैठो। मेहता साहब, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ कोमल भाभी? गोली ने व्रत लेके मुझे परेशान कर दिया है। अरे तो इसमें काहे की प्रॉब्लम, व्रत करेगा तो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो वजन कम होगा, अच्छा है ना? मेहता साहब, लोग व्रत में खाना नहीं खाते हैं, पर गोली ने तो दिन में 10 बार खाने का व्रत लिया है। क्या मतलब? मेहता साहब, बात यह है कि गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है, पर आप तो जानते ही हैं, हंस जहाँ वजन कम करने के ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, वो नेचुरोपैथी सेंटर में ना कोई उनसे मिल सकता है और ना कोई फोन पे बात कर सकता है। तो गोली ने ठान लिया है कि वो खाना खा खा कर अपना वजन बढ़ाएगा और वजन कम करने के बहाने अपने पापा को मिलाएगा, इसीलिए वो सोसाइटी में हर एक के घर जाकर खाना खा रहा है। अच्छा, पर हमारे यहाँ तो वो खाना खाने आया नहीं। समझदार है। हाँ? अरे अभी कहाँ है गोली कोमल भाभी? घर बैठकर खाना ही खा रहा है। तारक, आप जाकर गोली को समझाइए ना। हाँ मेहता साहब, प्लीज चलिए ना। चलिए, चलो जी, मैं भी चलता हूँ। हाँ, चलो चलिए, चलो जी, चलो। और 10-15 किलो बढ़ा के ही रहूंगा।
मुझे दो। हाय गोली, हाउ आर यू? हाय। आप पता की हाल है? मुझे पता है, आप दोनों मुझे समझा नहीं आए हो ना। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं पुत्र, सच में ऐसी कोई बात नहीं है यार। हम समझते हैं तू अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है यार। और तू क्या बेटा, हम भी तो हमारे दोस्त डॉक्टर हाथी को कितना मिस कर रहे हैं। क्यों? हाँ। तो चलो ना, हम सब उनके पास जाते हैं। बेबी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे बेटा, मैं जानता हूँ कि तू पापा को मिस कर रहा है और पापा से मिलना चाहता है। अभी थोड़े दिन पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम सब लोग है ना, क्यों छोड़ी? अरे हाँ बिल्कुल मैडम साहब, और चल गोली पुत्र, हम सारे मिलके पिक्चर देखने जाते हैं। हाँ। हाँ, पापा भी आएंगे। अरे पुत्र, पापा कैसे आएंगे? तो फिर मुझे पिक्चर नहीं देखनी। अच्छा मेरे पास एक बेटर आइडिया है, हम लोग एक काम करते हैं गोली, हम सारे लोग मिलके पिकनिक पे चलते हैं। अरे क्या आइडिया है मैडम साहब, चलो चलो। पापा के पास नेचुरल कैंप में। अरे बेटा कैंप में तो पिकनिक बनाने के लिए कैसे जा सकते हैं, वहाँ तो वो वजन कम कराने के लिए इलाज करा रहे ना। और एक्चुअली उस कैंप में फोन्स भी अलाउ नहीं है यार। और बाहर वाला तो कोई अलाउड नहीं है गोली, नहीं पॉसिबल बेटा। अरे तू क्यों चिंता करता है यार, तेरे पापा थोड़े दिन वहाँ पे मेहनत कर रहे तो करने दे, हम लोग है ना तेरे चाचा लोग। हाँ। नहीं मेरे चाचा ऐसे पतले नहीं है, एकदम हट्टे कट्टे, और वो मेरे लिए गिफ्ट भी लाते हैं। ये दिवाली में तो चाचा जी भी नहीं आए और मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं भेजी, सब मुझे भूल गए। गोली। देखा मेहता सर, मैं क्या करूं इस लड़के का। वैसे कोमल भाभी एक चीज आप कर सकते हैं, उसकी बातों से लगा कि वो अपने चाचा से बड़ा क्लोज है, तो आप उन्हें क्यों नहीं बुला लेती थोड़े दिन, ताकि वो अपने पापा को मिस नहीं करे। मेहता साहब, यार दैट्स अ गुड आइडिया। मैं अभी फोन कर देती। गुड, थैंक यू मेहता साहब। अरे थैंक यू सोडी भाई। अरे मोस्ट वेलकम। चलो ओके बाय। चलो बाय बाय। हेलो हेलो गजराज, मैं कोमल भौजी बात कर रही हूँ। हेलो कोमल भाभी, कैसी हैं आप? बस यहाँ सब मजे में, वहाँ सब कैसे हैं? अरे बिल्कुल मजे में। और हंस भाई आ गए वजन कम करके? पता नहीं कितने दिन और लगेंगे ट्रीटमेंट में। गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है और उनको वहाँ जाके मिलने की जिद कर रहा है। और दूसरा क्या, तुम लोग भी दिवाली में नहीं आए तो बेचारा बहुत लोनली फील कर रहा है। हाँ भाभी इस बार आना तो था पर। अरे तो अभी आ जाइए ना, गोली की छुट्टियाँ चालू है। देखिए भाभी, दरअसल ये बात है कि कल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी भाभी। ठीक है कोई बात नहीं। अरे हाँ एक काम करो ना, आप छोटे वनराज को बुला दो ना, वैसे भी तो कोई पेशेंट उसके क्लिनिक में आता नहीं है। उसकी क्लिनिक शहर से इतनी दूर है कि कोई जाता ही नहीं है, वो अभी बिल्कुल फ्री बैठा होगा, उसको बुला लीजिए। ओके ठीक है, मैं वनराज को फोन करती हूँ। ओके भाभी थैंक यू, सॉरी। हाँ भाभी इस बार मैं नहीं आ पाया, सॉरी। हाँ ओके गजराज, अपना ख्याल रखना। हेलो डॉक्टर वनराज हाथी। हेलो वनराज। अरे कोमल भाभी। ठीक पहचाना, मैं कोमल भौजी बात कर रही हूँ। कैसी है आप? बस यहाँ सब अच्छा है वनराज, वो क्या है ना कि अच्छा गजराज भाई नहीं आ रहे। हाँ भाभी एक्चुअली क्या है ना कि बड़ी मुश्किल से दो पेशेंटों ने मेरी अपॉइंटमेंट ली है। ओ, अगर वो भी कैंसिल कर दूंगा तो फिर कैसे होगा, इसलिए भाभी मेरा भी आना मुश्किल है। ठीक है वनराज, लेकिन प्लीज कोशिश करना आने की। ऑनेस्टली भाभी मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है कोमल भाभी। ओके वनराज, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ओ गॉड, वनराज और गजराज दोनों नहीं आ पा रहे, क्या करूं? ओहो, गजराज भैया भी नहीं जा पा रहे, पर कोमल भाभी का फोन आया है तो गोली कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा होगा।
कोमल भाभी का SMS, वनराज भी नहीं आ रहा है। पेशेंट्स को तो डॉक्टर दुबे संभाल लेंगे, आखिर फैमिली कम फर्स्ट। मैं गोली को नाराज नहीं कर सकता। कॉन्फ्रेंस तो होते रहेंगे, पर अगर मैं गोली के लिए नहीं गया तो जिंदगी भर अफसोस होगा। गोली, तेरा वनराज चाचा आ रहा है। गोली, तेरे गजरा चाचा आ रहे हैं। आज यहाँ टैक्सी नहीं दिखाई दे रही है। ओ भाई साहब जी, आज यहाँ टैक्सी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? टैक्सी वालों की हड़ताल है। अरे बाप रे बाप। रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। यहाँ से सीधा जाना, फिर राइट लेना, हाईवे लगेगा। हाईवे से सीधा गोरेगांव जाना, वही पाउडर गली। अरे भाई एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है। तो जाओ। चलो। नहीं बाबा नहीं, आपको बिठाऊंगा तो टायर पंचर हो जाएगा, पंचर बनाने जाऊंगा तो धंधे का टेम खोटे होगा। आप दूसरा रिक्शा पकड़ लो। सॉरी यार। क्या यार तुम लोग, क्या मैं रिक्शा में कभी जिंदगी में बैठा नहीं हूँ क्या? ओ रिक्शा, गोकुलधाम पाउडर गली। नहीं बाबा नहीं। ए, 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 रुक यार, ए, ए, रिक्शा किधर जा रहा है? रिक्शा, ओ रिक्शा। शे, कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं मुझे बिठाने के लिए। रिक्शा रिक्शा, ओए गजराज भैया। अरे भैया आप? वनराज तू? तू तो नहीं आने वाला था। कोमल भाभी ने बताया कि आप नहीं आने वाले थे। कोमल भाभी ने मुझे भी SMS भेजा कि तू नहीं आ रहा है। हाँ, बाद में मैंने सोचा कि गोली मिस करेगा ना, तो मैं सोचा मिल के आऊं। हाँ, मैंने भी यही सोचा कि बेचारा गोली हमें मिस कर रहा है, तो मैं भी उसे मिला हूं। और ये मिसिंग मिसिंग के माहौल में हम दोनों मिल गए। सही बात है। भैया मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको काम ज्यादा हो ना, आप चले जाइए, गोली को मैं मिल लूंगा। अरे तुझे ज्यादा काम है तो तू चले जा, मैं गोली को मिलाता हूँ। अरे नहीं भैया, आप चले जाइए। नहीं तू चले जा। भैया एक काम करें, हम टॉस कर ले। हाँ, लेकिन संभाल के। हाँ, तू हमेशा कॉइन उछालता है तो कॉइन घूम जाता है। इस बार नहीं घुमाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, काटा आएगा तो मैं वापस जाता हूँ, छापा आएगा तो तू वापस जा। ठीक है? ठीक है। अरे सॉरी भैया, गलती से आ गया, वापस दीजिए, वापस दीजिए। अरे साहब, अरे इस महंगाई के जमाने में 1 रुपया देते हो और वापस मांगते हो, शर्म नहीं आती? भाई साहब आप अपना 1 रुपया रख लीजिए, बस इतना बताइए काटा या छापा। वो क्या भैया, मुझे लगता है कि भगवान की यही मर्जी है कि गोली को मिलने हम दोनों चले। सही बात है। पर हम जाए कैसे? आज तो टैक्सी की स्ट्राइक है। हाँ, और कोई रिक्शे वाले मुझे बैठाने के लिए तैयार भी नहीं है। हाँ भैया, मैं भी कब से खड़ा हूँ लेकिन कोई रिक्शा वाला बिठा ही नहीं रहा है। अब क्या करे? भैया पैदल चले इतनी दूर, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है ना। और भैया इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाएगी और टॉकिंग भी। सही बात। भैया बहुत थक गया मैं, चल के बैठे क्या? हाँ मैं भी बहुत थक गया, चल बैठते हैं। भैया वहाँ चलो। हाँ चलो। अरे अरे भैया संभालो। हाँ ए वनराज। हाँ भैया। गोकुलधाम पहुँचते पहुँचते दम निकल जाएगा यार। हाँ भैया मुझे लगता है पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। चला मंडली निघूया। काय कुठे निघूया?
टिन 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 क्लास खत्म। हमारा सोडा तो खत्म होने दे। अरे जेठा लेट हो रहा है। लाल हमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। क्यों अभी तुम भी हो पानी का मोटर चालू करने जाते हो भिड़े के साथ? कल थोड़ा लेट उठना उसमें क्या? हाँ और क्या यार, एक दिन लेट उठोगे तो कौन सा न्यूटन का लॉ बदल जाएगा, आइंस्टीन की थ्योरी चेंज हो जाएगी। रुको रुको, कल गोदड़ी हटके पड़े रहना भाई। मौज मस्ती करो भाई। अरे डॉक्टर हाथी के भाई आ रहे हैं। अरे पर ये दोनों पैदल क्यों आ रहे हैं इस तरह से? ये दोनों डॉक्टर है फिर पेशेंट जैसे क्यों लग रहे? अरे दोनों पसीना पसीना हो गए। अरे आइए आइए आइए, वेलकम डॉक्टर वनराज, डॉक्टर गजराज, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। आजा गज्जू गज्जू यार, वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे पर एक बात बताइए, आप लोग ऐसे पैदल क्यों चल के आ रहे हैं? क्या करें, टैक्सी वालों की स्ट्राइक है और रिक्शा वाले बिठाने के लिए तैयार ही नहीं थे। सही बात है। अरे तो अलग अलग रिक्शा में आना था ना। अरे अलग अलग रिक्शा की ही बात कर रहा हूँ, हम दोनों एक रिक्शा में थोड़ी फिट हो सकते हैं। कोई हमें बैठाने के लिए तैयार ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को देख के गोली बहुत खुश हो जाए। सही बात है। हाथी भाइयों, एक ठंडा सोडा हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें ही नहीं सबको पिलाओ। क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे हमने तो अभी अभी सोडा पी के ग्लास रखा है। हमारा हो गया। हाँ अभी जस्ट पिया है हम लोगों ने। अरे हमें भी तो कंपनी दीजिए तभी तो मजा आएगा, क्यों भैया? हाँ सही बात है। पिलाइए। चलो ठीक है भाई, पिला भाई पिला पिला पिला। और एक बनाओ सबके लिए। और एक एक। अरे नहीं नहीं बहुत हो गया भाई, अभी पी लिया हमने बहुत, थैंक यू। अरे एक और हाँ हाँ मजा आ जाएगा, और एक एक बना दो सबके लिए। हो जाए चलो भाई, बना बना भाई बना। क्या भाई अब्दुल, रेडी है रेडी है। और एक एक बनाइए ना। हाँ मजा आ जाएगा, और एक एक बना दो सबके लिए। ठीक है भाई हूं जाओ दे। पेट एकदम चंगा हो गया भैया। कितना हुआ? अरे वनराज भाई क्या बात कर रहे हैं आप, कितने हुआ बोले? आप तो मेहमान है हमारे, आप पैसे नहीं दे सकते। अरे अब्दुल खाते में लिख दिया। किसके? कितना हुआ बिल? 325। हाँ तो भिड़े के खाते में लिख दे। चलो चलो लेट। आज तो सोने का धंधा सॉलिड हो गया, ऐसे ही आते रहना मेहमानों। गोली ऐसा क्या है, प्लीज अब खाना बस कर, मेरे बाप दे मुझे। नहीं मैं गोली नहीं मम्मी, मेरी बात सुन, तू मार खाएगा। मैं वजन बढ़ाना है प्लीज। नहीं गोली जिद मत कर, मुझे प्लेट दे। नहीं मम्मी मेरी बात मत। गोली चाचा जी। अरे गजराज चाचा, वनराज चाचा। गजराज भाई वनराज भाई, माय गॉड तुम दोनों वो भी एक साथ, आई कांट बिलीव दिस। आइए आइए एक मिनट चाचा जी। बोले क्या Yeah.
कैसा है गोली बेटा? बहुत मस्त, मेरे दोनों चाचाजी आ गए, I'm very happy. हम भी बहुत खुश हुए और तेरे लिए तो हमें आना ही था. थैंक यू चाचाजी. गोली ये क्या जिद कर रखी है खाते रहने की? चाचाजी मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी. डोंट वरी बेटा, तुम्हारे पापा बहुत जला जाएंगे. हाँ. लेकिन उसके पहले तुम्हारे दोनों चाचा आ गए. Now are you happy, Goli? Very happy. पर चाचा जी, जब तक पापा नहीं आते, तब तक आप दोनों मेरे साथ रहोगे, ओके? ओके. जब तक तेरे पापा नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे. अरे भैया, अब जब हम इतने दिन यहाँ रहना है, तो क्यों ना हंस भैया की क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू कर दे? Yeah, that's a good idea. वैसे भी हंस के पेशेंट उन्हें बहुत मिस कर रहे थे. तो कल से क्लिनिक शुरू? Yes. हाँ, हम क्लिनिक भी संभालेंगे, खाएंगे, पिएंगे और खूब मजा करेंगे. सही बात है। डॉक्टर हंसराज हाथी के वजनदार भाइयों की गोकुलधाम में सरप्राइज वजनदार एंट्री और उससे भी कहीं ज्यादा वजनदार स्माइल मायूस गोली के चेहरे पे. गोली का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा है. क्यों ना खिले भाई, उसके चाचा बड़े दिनों बाद उसे मिल जो रहे हैं. रिश्तेदार जब हमें कई दिनों बाद मिलते हैं तो खुशियां देते हैं. अरे तमाम रिश्तेदार, हमारे चाचा चाची मामा मामी बुआ भतीजी भांजे भाई, तमाम रिश्ते. हमारा देश रिश्तों का देश है और रिश्तेदार हमें जीवन में खुशियां ही नहीं देते, हमारे गम में, हमारी उदासी में, हमारी मायूसी में हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं. इसलिए अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से हमेशा बनाए रखिए. अंग्रेजी में कहावत है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर. लव के रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं और होने भी चाहिए. लेकिन इस वक्त डॉक्टर हंसराज हाथी के ये दो भाई जो गोकुल धाम में आए हैं, ये क्या लेके आए हैं ये वक्त बताएगा. क्योंकि आते ही इन्होंने हम मासूमों पे एक बहुत छोटा सा ऐसा प्रयोग कर लिया. भाई छोटा सा प्रयोग ही था, हम रोज एक सोडा पीने वाले लोग, हमें 5-5, 6-6, 8-8 सोडे पीने पड़े इनकी खुशी के लिए. अब एक सोडा पीने वाला व्यक्ति अगर 8 सोडे पी लेगा तो क्या होगा, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता. लेकिन जो होगा हंगामेदार, ठाकेदार, मस्ती भरा होगा. ये सोडे का आलम इब्तदाए सोडा है. रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.